हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आशू एकेडमी में। तो आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे आपकी इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर हॉर्नबिल का, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह इस चैप्टर के राइटर हैं और वह इस स्टोरी को लिखते हैं जिसका नाम देते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है चित्र ऑफ अ लेडी, एक महिला का चित्र, जिसे लिखते हैं खुशवंत सिंह। और खुशवंत सिंह इसमें महिला जो होती हैं वह उनकी दादी होती हैं। खुशवंत सिंह अपने दादी के एक चित्र का वर्णन करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। चैप्टर में कहीं भी आपको फोटो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इन लाइनों के माध्यम से आप उनकी दादी को इमेजिन कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या स्टोरी है जो इस पूरे चैप्टर में चलेगी। अगर आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो सच बताऊं, इस वीडियो को देख करके आप इस पूरे चैप्टर की स्टोरी को समझ जाएंगे। अगर आपके माइंड में स्टोरी अच्छे से बैठ गई तो आप क्वेश्चन के आंसर एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो समय खराब ना करते हुए सीधा आते हैं टॉपिक पर और आपको बताते हैं कि आखिर स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है। स्टोरी जो स्टार्ट होती है वह स्टार्ट होती है खुशवंत सिंह से। खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ एक गांव में रहते हैं। गांव में इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके माता और पिता उन्हें उस गाँव में छोड़ करके दादी के साथ खुशवंत सिंह को गाँव में छोड़ते हैं और शहर में जा करके उनके माता पिता बस जाते हैं। खुशवंत सिंह अपनी दादी के साथ रहता है और बहुत ही मज़े से रहता है। खुशवंत सिंह की दादी बहुत ही धार्मिक महिला होती हैं, जैसे सबकी दादी होती हैं बिल्कुल वैसे ही खुशवंत सिंह की भी दादी हैं। खुशवंत सिंह की दादी दिखने में बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हैं। ऐसा लगता है कि मानो अब इससे ज़्यादा वह बूढ़ी अब नहीं हो सकती हैं। इतना ज़्यादा बूढ़ी थी कि उनके चेहरे पर झुर्रियाँ झलकती थी। झुर्रियाँ ऐसी थी कि पूरे चेहरे को देख करके ऐसा प्रतीत होता था कि इनसे बूढ़ा अब कोई नहीं होगा। तो खुशवंत सिंह भी दादी को बताते हैं कि दादी दिखने में कैसी हैं। ऐसी दिखती हैं कि मानो वह आप कभी सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन वह ब्यूटीफुल हैं। वो बोलते हैं कि वह ब्यूटीफुल हैं, तो वो ब्यूटीफुल मस्तिष्क से हैं, यानी उनका दिल और दिमाग बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो जो काम करती हैं उनके काम ऐसे थे कि वह खुशवंत सिंह उन काम को देख करके ऐसा मानता था कि मेरी दादी सबसे सुंदर दादी हैं। तो खुशवंत सिंह की जो दादी हैं एक धार्मिक महिला होने के वजह से सारा दिन अपना समय पूजा पाठ में लगाती हैं और खुद ऐसी बातों को खुशवंत सिंह को सिखाना चाहती हैं। खुशवंत सिंह जब प्रातःकाल स्कूल के लिए तैयार होता है तो उनकी दादी प्रतिदिन ऐसे भजन गाती कि खुशवंत सिंह भी उन भजन को सुने और उन्हें याद कर सके। लेकिन खुशवंत सिंह दादी के स्वर अच्छे होने की वजह से बस उन भजनों को सुनता है, क्योंकि दादी की आवाज़ इतनी मधुर थी कि खुशवंत सिंह को कुछ समझ में नहीं आता था, बस दादी की आवाज़ सुनाई देती थी। ऐसा ही चलता रहता था। प्रतिदिन दादी खुशवंत सिंह को स्कूल के लिए तैयार करती, फिर खुशवंत सिंह और उनकी दादी दोनों एक साथ खाना खाते। खाने में वो शाम का भी भोजन कर लेते और जो बच जाता था उसे अपने साथ ले करके घर से बाहर निकल जाते। दोनों इसलिए निकलते क्योंकि खुशवंत सिंह विद्यालय जाता है और उसकी दादी विद्यालय से पास में एक मंदिर हुआ करता है, वहीं पर जा करके धर्म का अध्ययन करती हैं। तो खुशवंत सिंह जहां विद्यालय में बैठ करके वर्णमालाओं का ज्ञान करता है, वहीं उनकी दादी मंदिर में बैठ करके धार्मिक गीतों को, धार्मिक पाठों को पढ़ा करती हैं। ऐसा ही चलता रहा। अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट इस जगह पर आता है कि अब खुशवंत सिंह के माता जो पिता शहर गए थे, अब वो अच्छे से रहने लगते हैं और वो खुशवंत सिंह को लेने और दादी को लेने के लिए गांव आ जाते हैं। वो खुशवंत सिंह और दादी को लेकर के अब शहर चले जाते हैं। शहर में क्या होता है, खुशवंत सिंह का एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो जाता है, जहाँ उसकी दादी अब उसके साथ नहीं जा सकती हैं।
दादी उसके साथ नहीं जा सकती हैं, दादी घर से बाहर जाती हैं, टहलती हैं और घर में रह जाती हैं। लेकिन खुशवंत सिंह अब बस से बैठ के स्कूल जाता है, स्कूल में तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करता है। जो ज्ञान उसने यहाँ प्राप्त किया था उस ज्ञान के बजाय उसने अलग तरीके का ज्ञान प्राप्त किया। स्कूल में जा कर के उसने साइंस सीखी, ज्योग्राफी सीखी और भी तरह तरह के ज्ञान उसने प्राप्त किए और सारे ज्ञान को आकर के दादी को बताता कि दादी आज मैंने इंग्लिश सीखा, दादी आज मैंने साइंस सीखा। यही सब बातें दादी को परेशान करती कि बेटा मेरा जो खुशवंत सिंह है ये धर्म की बातें क्यों नहीं सीख रहा, ये सब चीज़ें इसके सीखने की चीज़ें नहीं हैं, इसको धर्म की चीज़ें सीखनी चाहिए। लेकिन खुशवंत सिंह का मानना था कि नहीं, ये हमारे आगे काम आएंगी। तो हाँ बिल्कुल पढ़ाई उसके काम आई और ऐसा ही चलता रहा। अब होता ये है कि दादी जो कभी बाहर जा कर के अब गांव में कुत्तों को भोजन देती थी, शहर में उनको ऐसे कुत्ते नहीं मिल पाते हैं, तो वो क्या करती हैं, घर के आंगन में आने वाली चिड़ियों को दाना चुगाना शुरू करती हैं। घर में आई समस्त चिड़ियों को दाना देती हैं, रोटी देती हैं और उनके साथ अपने बचे हुए समय का आनंद लेती हैं, उन्हीं के साथ खेलने की कोशिश करती हैं, उन्हीं में अपना समय व्यतीत करती हैं और ऐसा ही चलता रहता है। फिर अब वहाँ से स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होने पर अब खुशवंत सिंह विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं। अब उनका एडमिशन विश्वविद्यालय में होना चाहता है। इस वजह से अब खुशवंत सिंह अपनी दादी को बताते हैं कि मैं अब विश्वविद्यालय में पढ़ूंगा, जहां मुझे एक कमरा दिया जाएगा उस कमरे में मैं रह करके वहीं पढ़ाई करूंगा। खुशवंत सिंह की दादी एग्री हो जाती हैं, मान लेती हैं उसकी बात और खुशवंत सिंह विद्यालय चला जाता है। अब दोनों में आपस में जो मिलना मिलाना हुआ करता था बहुत ज़्यादा कम हो गया था। दादी सारा दिन पूजा पाठ में लीन रहती है और जब पूजा करती थी तो वो साइलेंट प्रेयर भी करती थी, मींस आवाज़ नहीं आती थी, ये लोग देख करके बता सकते थे कि ये पूजा कर रही हैं, क्योंकि उनके ऊँट चला करते थे और उनकी माला जो है उंगलियों में फेरा करती थी। ऐसा ही चलता रहा। अब क्या हुआ, खुशवंत सिंह की जो पढ़ाई विश्वविद्यालय में हुई थी वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अब खुशवंत सिंह विदेश जाने का निश्चय करते हैं कि अब वो पढ़ने के लिए विदेश जाएंगे। तो विदेश जाना उनके लिए बहुत ही अच्छा था, लेकिन वह बात दादी को भी आकर के बताते हैं कि दादी मैं अब पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। तो दादी भी उनकी बहुत जल्दी सहमत हो जाती हैं कि ठीक है आप विदेश जा कर के पढ़ाई करो। तो दादी उसे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक जाती हैं, उसे रेलवे स्टेशन पर आकर के छोड़ती हैं और उस समय खुशवंत सिंह दादी से मिलता है, गले लगाता है तो दादी उसके माथे को चूमती हैं। तो खुशवंत सिंह के माइंड में एक पॉइंट आता है कि मैं अगर 5 साल के लिए अब दादी से दूर रहा तो हो सकता है मेरी दादी इतनी बूढ़ी हैं कहीं वो मुझसे दोबारा ना मिली तब। तो उसके जो माथे में वो चुम्बन लेती हैं उसे वो आखिरी निशानी समझ करके अपने शरीर में समा लेता है, सोच लेता है कि दादी की मेरी आखिरी निशानी है और वह विदेश चला जाता है। धीरे धीरे करके 5 साल व्यतीत होते हैं, लेकिन जो खुशवंत सिंह सोचते हैं ऐसा नहीं होता है। खुशवंत सिंह ने सोचा था कि शायद हमारी दादी अब हमें दोबारा नहीं मिलेंगी, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसको लेने के लिए फिर से दादी उसका वहीं पर इंतज़ार कर रही होती हैं। खुशवंत सिंह को अच्छा लगता है, खुशवंत सिंह आता है, उसे गले लगता है। अब खुशवंत सिंह जब गले लगता है तो फिर दादी अब इस समय इतना व्यस्त होती हैं कि वो अपनी पूंजा में लीन है, माला फेर रही हैं, हालांकि मिलती हैं लेकिन अब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना अलग में देती हैं। खुशवंत सिंह घर आता है, हर दिन की तरीके से उस दिन भी सब कुछ होता है, लेकिन उस दिन दादी थोड़ा सा पूजा पाठ कम करती हैं। उस दिन वो ढोलक बजवाती हैं, घर में अलग प्रकार का मनोरंजन करती हैं। इन सब चीज़ों में खुशवंत सिंह भी खुश होता है। अब अगले दिन दादी की तबीयत बिगड़ जाती है, दादी बीमार हो जाती हैं। तो खुशवंत सिंह डॉक्टर को बुला के लाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि हाँ बुखार है और जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन खुशवंत सिंह की जो दादी हैं वो कुछ अलग ही विचार रखती हैं। वो कहती हैं, खुशवंत सिंह को बताती हैं कि अब मेरा अंतिम समय नज़दीक आ गया है, अब मैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहूँगी। खुशवंत सिंह को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। खुशवंत सिंह उन्हें समझाते हैं लेकिन वो बात सत्य होती है।
खुशवंत सिंह की दादी लेटी हुई होती हैं और बराबर अपने ओंठों से साइलेंट प्रेयर कर रही होती हैं, उनके ओंठ चल रहे होते हैं, माला चल रही होती है, तभी अचानक से उनके ओंठों का चलना बंद हो जाता है, उनकी माला का चलना बंद हो जाता है और हाथ से गिर जाती है, माला हाथ से छूट जाती है। अब खुशवंत सिंह को लग जाता है कि शायद अब हमारी दादी इस जीवन में नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही। धर्म के, हिंदू धर्म के हिसाब से दादी को बिस्तर से उठाते हैं, ज़मीन पर लिटा देते हैं और सभी लोग को पता हो जाता है। अब उसी समय जब दादी को बिस्तर से नीचे करते हैं, फिर उन्हें उठा करके आंगन में लेके आते हैं, आंगन में लेटी रहती हैं, तब तक क्या होता है, जो चिड़ियों को दाना चुगाती थी दादी, सारी चिड़िया आकर के चींची की आवाज़ लगाती हैं, पूरे आंगन में चिड़िया ही चिड़िया, हजारों चिड़िया फैली पड़ी हैं। खुशवंत सिंह को चिड़ियों पर दया आती है, सोचते हैं कि जैसे दादी इन्हें दाना चुगाती थी, क्यों ना आज मैं इन्हें दाना दे दूं। लेकिन तब तक उनकी माताजी, खुशवंत सिंह की माताजी, उनके लिए दाना लेके आती हैं, उनको रोटियां देती हैं, लेकिन आज पहली बार चिड़ियों ने दाना नहीं खाया था, आज चिड़ियों ने रोटी नहीं खाई थी, वह भी खुशवंत सिंह की दादी के जाने का दुख मना रही थी। सच बताऊँ तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अब मेरे भी रोए खड़े हो रहे हैं। स्टोरी में अब क्या होता है कि वो जब चिड़िया जब दाना नहीं खाती हैं, ऐसा ही रहा, फिर अंत समय हुआ, अब दादी की अर्थी होती है, अर्थी तैयार होती है, अर्थी को घर से बाहर ले जाया जाता है। जैसे ही अर्थी घर से बाहर जाती है, उसी अर्थी के साथ साथ चिड़िया भी घर से बाहर चली जाती हैं, उनका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन चिड़ियों ने एक भी दाना और रोटी नहीं खाया था। अब अगले दिन सफाई वाले आते हैं, उन दानों को उठा करके झाड़ू लगा करके डस्टबिन में डाल देते हैं, और स्टोरी इसी तरीके से होती है आपकी कंप्लीट। पूरी स्टोरी में आपको यही पढ़ने को मिलेगा, कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे एंड होता है, शायद ये अब आप जान चुके होंगे। स्टोरी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आप कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको बुक से लाइन वाइज भी हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो आपको उसी हिसाब से दे सकूं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।